हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो आप देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, एक जादुई क्रीम जो हमारे फ्रीजी हेयर को, जो बेजान से झाड़ू से हेयर हो चुके हैं, उसको कर देगी एकदम स्मूथ, शाइनिंग, स्ट्रेट नहीं करती है इतना जितना हम समझते, उतना ये क्रीम स्ट्रेट बालों को नहीं करती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये बहुत अच्छी क्रीम है। मैंने वो अगले जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी उसी टाइम आप लोगों को कहा था कि मैं जो भी होगा इस वीडियो में आप लोगों को इसको अप्लाई करके, मतलब इसको यूज़ करके फिर आपको मैं इसका जो भी रिज़ल्ट है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वही मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो गाइस, तो फटाफट से नीचे जो रेड बटन है उसे कर दो क्लिक सब्सक्राइब का, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दो घंटी को, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले मिले। और मेरी ये वीडियो पसंद आ जाएगा गाइस तो इसे लाइक देना ना भूलिएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। मैं ये क्रीम आप लोगों को नज़दीक से दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो इसके ऊपर लिखा है लग्जरी प्रोफेशनल प्रोटेक्ट योर अमेजिंग हेयर क्रिएटिन सिस्टम स्मूथ ट्रीटमेंट अल्ट्रा स्मूथ एंड अर्गन ऑयल, ये सब लिखा है। इसका जो 100 ml की बॉटल है ये, इसकी प्राइस की बात की थी, ये 2000 लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसे बाई करते हैं तो हमें 100 rupees जो है वो डिस्काउंट मिलता है। ये आपको 1900 rupees में बाई करोगे। तो मैंने इसे अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगाया है और मैंने इसे अप्लाई किया, उसका भी मैंने क्लिप बनाया था, बट मेरी बदकिस्मती कि वो क्लिप मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया, तो मैं आपको इसका डेमो तो नहीं दिखा सकती। लेकिन इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है हेयर का, जो क्रिएटिन का जो हेयर मास्क बनाते हैं हम घर पर, वो सेम प्रोसेसर है। इतना है कि उसमें हेयर को हमें स्ट्रेटनिंग मशीन से करना होता है, मैं सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को ये पिक्चर्स के फ़ोटोज़ के थ्रू दिखा देती हूँ कि आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसे घर पर अप्लाई कर रहे हो, घर पर ये ट्रीटमेंट कर रहे हो आप किसी के बालों पर। और हाँ, ये आप अपने खुद के बालों पर नहीं कर सकते, आपको किसी की मदद लेनी होगी। ये आप सारी चीज़ें ध्यान से देख लो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिएगी। और मैं आप लोगों को चाहती तो थी डेमो ही दिखाना, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरी वो जो वीडियो क्लिप थी वो डिलीट हो गई, इसलिए मैं पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद भी आपको अगर बात समझ में ना आए और ये चीज़ें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से कमेंट में आपको जवाब दे दूँगी। और फिर भी आपको ना समझ में आए तो मैं ऊपर आई बटन पर मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी, डाली थी क्रिएटिन ट्रीटमेंट के, होम क्रिएटिन की ट्रीटमेंट की, तो वो वीडियो भी आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, जो भी कुछ है सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी वो वीडियो को देख के। तो आप वो वीडियो को भी वॉच कीजिएगा, और आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और हाँ, एक बात, अगर आपने अपने बालों पर स्मूदनिंग करवाया है या हेयर कलर या जो भी आपने कुछ करवाया है केमिकल ट्रीटमेंट, तो आप इसे 30 minutes अपने हेयर पर रखना है, उसके बाद आपको ये सारी प्रोसीजर करनी है। जो और अभी तक आपने अपने बालों पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं करवाया है, तो आपको इसको 45 मिनट अपने हेयर पर रखना है, और उसके बाद आपको हेयर ड्राई से इसको, कूल हेयर ड्राई से आपको हॉट हेयर ड्राई का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद ही आप इसको आगे फॉलो करोगे। और इसको आपको आफ्टर 3 days के बाद इसको वॉश करना है, वहाँ तक आपके बालों में पसीना वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए, कहीं बाहर आना जाना हो उसको भी आपको टाल देना होगा, मतलब आप कहीं आना जाना मत करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने हेयर को 3 दिन के लिए संभालना होगा, उसके बाद आपको 3 दिन के बाद इसको वॉश करना है, और उसके 3 दिन के बाद वॉश करने के बाद का जो रिज़ल्ट है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लग्जरीज प्रोफेशनल केराटिन ट्रीटमेंट की जो ये
क्रीम है ये सच में ये बहुत अच्छी है और 100 ml है, तो जो अगर आपके हेयर लॉन्ग हो गए तो आप लोगों को ये एक बोतल से काम नहीं चलने वाला है, आपको इसकी दो बोतल बाई करनी होगी क्योंकि इतनी इसमें नहीं आती है जो हमारे पूरे हेयर पर ही अप्लाई हो जाए। अगर आपके बाल शॉर्ट है तो हाँ आराम से आपके बालों पर ही अप्लाई हो जाएगी और ये आपको ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपके बाल डैमेज और एकदम से रफ़ हो चुके हैं तो आपको ये ज़रूर करवाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को इसके पिक्चर शेयर करती हूँ कि जिसके जो बाल पे हमने इसे अप्लाई किया है उसके ऊपर इसका क्या रिज़ल्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस क्रीम के बारे में एक और बात आप लोगों को बतानी है कि अगर आप इस क्रीम को जिसके ऊपर भी अप्लाई करते हो तो उसको आपको पहले तो मास्क पहनाना पड़ेगा, उनके हाफ जो मास्क होता है हम लगाते हैं जो ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर लगाते हैं वही वाला मास्क लगाना है, क्योंकि ये जो क्रीम है बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है, इससे हमें मतलब प्रॉब्लम होती है और आँखों में भी बहुत ज़्यादा जलन करती है जब ये हम अप्लाई करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो आपको रोज़ वाटर या टोनर कोई भी लेके अब कॉटन की मदद से अपनी आँखों पर रखना है जब तक ये ट्रीटमेंट पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ तक आप लोगों को इसको अपने मतलब उस तरीके से करना है। तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप लोगों ने इसे ले लिया, बाय कर लिया और आप इसे हेयर पर अप्लाई कर रहे हो और एकदम से ऐसे ही करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जो अप्लाई करेगा उसको भी और जो करवा रहा है ये ट्रीटमेंट उसको भी। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखें आप, और बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी है, इसका रिज़ल्ट भी बेस्ट है। आप चाहो तो इसे बाय भी कर, आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहो अमेज़न से तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैंने भी वहीं से ख़रीदी है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल कोई जगह मुझे ये अवेलेबल नहीं हुई। तो अच्छी ओवरऑल अच्छी क्रीम है, आप लोग भी लो और लगाओ। जो अगर आपके बाल पे कोई आपने स्मूदनिंग करवाया है या परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाया है तो आपको ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए, और आपके बाल वर्जन है और आपने कभी कुछ नहीं कराया है तब भी आप इसे कर सकते हो और इसका रिज़ल्ट भी बेस्ट है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ख़रीदो, अगर आप पैसा खर्च सकते हो तो ख़रीदो और लगाओ, अप्लाई करो, बेस्ट है, सीज बेस्ट। और मेरा वीडियो पसंद आ जाएगा इस तो लाइक देना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल।